हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये है हमारा डे 4। हमने कर दिया है अपना होटल चेकआउट और अब हम आ गए हैं जेटी की तरफ और यहाँ से हमें लेना है अपना मैक्रूज जो कि हमने अपना नील आइलैंड जाने के लिए बुक किया है। अब हम जा रहे हैं जेटी की तरफ। यहाँ पे हो गया हमारा चेक इन और हमारा मैक्रूज खड़ा है इस टाइम पर जेटी पर। अब वहाँ जाके हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया। अब हम वहाँ जाके अपना चेक इन करते हैं फटाफट से क्योंकि हम आए हैं थोड़ा लेट। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारा मैक्रूज कैसा है। ये है हमारी जेटी की एंट्री और यहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑटो और कैब वाले, तो आपको इजीली यहाँ से कैब भी मिल जाएगी। बट डोंट ट्रैप इन सम चीटर्स। कुछ लोग कमीशन के लिए आपको कॉस्टली कैब्स दे देंगे और होटल्स दे देंगे, लेकिन आप थोड़ा उनके ट्रैक को समझकर सही से अपना होटल चूज़ करें। तो हम आ गए हैं जेटी, जहाँ से क्रूज जाते हैं उसे जेटी बोलते हैं। इस जगह को पूरी को जेटी बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग करी थी कल। ये पूरा जो है अपना बीच कनेक्टेड है जिसको हम स्वराज द्वीप बोलते हैं और ये बहुत सारे होटल से कनेक्टेड भी है। ये हैवलॉक के अंदर है। अब हम हैवलॉक से जा रहे हैं नील आइलैंड और वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको अपने क्रूज से मिलवाते हैं। हम आ गए हैं जेटी के मेन पॉइंट पर और यहाँ पर हमारा मैक्रोज पॉइंटेड है। यहाँ पर पार्क्ड है और ये हमारा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं अपने मैक्रोज के लिए, अपनी क्रूज के लिए। और यहाँ पर मैक्रोज की एंट्री के लिए पहले ही लाइनिंग हो चुकी है। हम काफ़ी लेट आए हैं। ये इतनी बड़ी लाइन मैक्रोज की एंट्री के लिए लगी है। हम जा रहे हैं अब अपना बैग रखवाने के लिए। ऊपर चले जाना छत पे, इसमें तो ऊपर जाओगे 550 लेंगे, उसमें कुछ अपग्रेड करने के 550 है। ऊपर चले जाना 450 रुपए कहीं 2000 तक आ जाएगा। 2200 और ये है हमारी मैक्रूज की एंट्री। इसमें एक है लोअर डेक और एक है अपर डेक। ये है ग्राउंड और हमने अपने लिए बुक की थी। और यहाँ पर हमने अपने पासेस दिखाए हैं स्टाफ को और स्टाफ को दिखाने के बाद हम आ गए हैं अपनी सीट पर। और ये है यहाँ का कैंटीन एरिया। मैक्रूज में दी हुई है इन्होंने कैंटीन लोअर डेक में। अगर आपको वहाँ से कुछ भी परचेज करना है तो नीचे जाकर कर सकते हैं अगर आपकी अपर डेक है, वरना लोअर डेक में तो सामने ही कैंटीन है। और यहाँ पर हो गया है हमारा क्रूज जेटी से डिपार्ट और अब हम जा रहे हैं नील आइलैंड की तरफ। हमने अपने 2 दिन रखे थे हैवलॉक के लिए बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें थी। अब हम जा रहे हैं नील आइलैंड। मैक्रूज ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। उसमें इन्होंने हमें स्टार्टिंग में गाइड भी किया है कि अगर हमारे क्रूज़ को कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्होंने यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल किया हुआ है। यहाँ पर इनके स्टाफ ने हमें एयरप्लेन की तरह पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा इफ़ बाय चांस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। और यहाँ देखिए मेरे पति देव को सारे क्रूज में अलग जाकर व्यू लेना होता है हर जगह से कैसे लग रहा है और मेरे को बोल रहे थे कि उधर जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ सीज़न होने की वजह से काफ़ी सीट्स खाली थी तो हम कहीं पर भी बैठ सकते थे। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं बनाना चिप्स, तो हमने खाए हैं बनाना चिप्स। उसके बाद हम पहुँच गए हैं नील आइलैंड की जेटी पर
और जेटी पर पहुंचने के बाद हमारे लगेजेस हो रहे थे क्रूज से बाहर, तो हम वेट कर रहे थे कि हमारा लगेज कब आएगा, उसके बाद हम जाएंगे होटल की तरफ। हम उतरे हैं मैक्रूज से सईद आइलैंड, जिसे बोलते हैं मील आइलैंड, और ये यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पर नील आइलैंड पर आने के बाद हो गया था मेरे पति देव को फीवर, तो हमने रेस्ट ही किया था होटल में काफ़ी टाइम। हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि बारिश में भीग रहे थे डेली, तो यहाँ पर भी हो रही थी बारिश, इस वजह से हमने सोचा कि होटल में ही रेस्ट करते हैं। होटल में रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बीच तो देख ही आते हैं जब नील आइलैंड पर इतनी दूर आए हैं। तो हम आ गए हैं नील आइलैंड, और नील आइलैंड में आके बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और हमारे साथ कुछ सरकमस्टेंस भी ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हम निकले हैं थोड़ा लेट। और ये है बीच के साइड के थोड़े से रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पर हमने इनका कर दिया था बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड, तो इस वजह से इन्होंने पिया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी, बिकॉज़ नारियल पानी ही इनके लिए सही था उस टाइम पर, बिकॉज़ ड्रिप चढ़ी थी कुछ टाइम पहले, और मैंने नहीं पिया था नारियल पानी। तो मैंने यहाँ से ऑर्डर की थी अपने लिए मैगी, और मैंने खाई है यहाँ पे बहुत ही यम्मी मैगी बारिश के मौसम में। ये है नील आइलैंड का मार्केट, यहाँ पर आपको कुछ भी परचेज करना है मेमोरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बीच के लिए कपड़े या कुछ भी आपको मिल जाएगा इसीलिए। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेल का सामान मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, मोती का सामान सारा, तो आप यहाँ पर इस मार्केट में देख सकते हैं। आइलैंड पर एज सच हमारे एरिया वाला तो कुछ नहीं है, बट हाँ यही छोटे छोटे से मार्केट होते हैं यहाँ पे, दैट्स इट। आइलैंड के बाहर का क्रूज एरिया जहाँ से हमें लेनी है क्रूज, और इसके नियर बाय भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने क्रूज से बाहर निकल कर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअल में मंदिर ऐसा होना चाहिए। बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आपको बंगाली फूड और बंगाली लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। और ये है यहाँ जेटी से निकलते ही एक होटल जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। इस होटल में आपको भी इजीली 1500 टू 2000 के रेंज में और उससे भी अब रूम इजीली मिल जाएगा। हमारा सुबह क्रूज है, इस वजह से हमने नियर बाई होटल ही लिया है। और ये देखिए यहाँ पर आकर कुछ ऐसा मौसम है, आपको अभी मैं एक्चुअल में टाइम दिखाती हूँ अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो। हम यहाँ पर आए थे और इतना डर लग रहा था, यहाँ पर कंप्लीट जंगल था, और ये सिर्फ शाम के 6 बजे हो रहा है। ये है हमारे होटल के रूम्स, और हमने लिया है ग्राउंड फ्लोर ताकि घूमने जाने में और आने में ईजी रहे। तो हम अब जाने वाले हैं अपने रूम के अंदर, और हमने अपने किसी भी होटल का रूम सही से आपको नहीं दिखाया है क्योंकि सब मैसअप हो जाता है घूमने आने से पहले और बाद में। इस टाइप के रूम आपको मिल जाएंगे 1000 से 1500 तक, 1500 to 2000। और मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग रूम कम ही रेंज में लें, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं तो रूम में स्टे करने के लिए तो कोई नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप अगर रूम कम रेंज में लेंगे तो वही बेटर रहेगा।
कर रहे हैं फाइनली चेकआउट नील आइलैंड से, और नील आइलैंड का एक्सपीरियंस हमारा बहुत खराब रहा। नील आइलैंड पे सिर्फ हम गए थे भरतपुर बीच थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वहाँ पर बारिश आ गई थी तो हम वापस आ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी बारिश में भीग कर इनको फीवर आ गया था। तो हम नील आइलैंड पर पूरा टाइम होटल में ही रहे, हमने होटल में ही रेस्ट किया। अब हमने किया है नेक्स्ट डे चेकआउट, नील आइलैंड से जा रहे हैं क्रूज़ की तरफ। और इस बार हमने बुक किया अपने लिए गवर्नमेंट फेरी, तो गवर्नमेंट फेरी में जाएंगे हम पोर्ट ब्लेयर। हम आ गए हैं जेटी पर और हम हैं आज लेट क्रूज़ के लिए बहुत ज़्यादा, और हमारी गवर्नमेंट फेरी आ चुकी है। और आप जेटी में अंदर तक किसी ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं, बट हमारा होटल वॉकिंग डिस्टेंस पर था तो हम वॉक करके ही आ गए थे। ये है गवर्नमेंट फेरी, मोस्टली ये लोकल्स के लिए चलाई गई है। अगर वहाँ पर लोकल्स के लिए फुल होती है तो गवर्नमेंट फेरी में टूरिस्ट को टिकट नहीं मिलती है, और अगर इसमें जगह होती है तो नॉर्मल प्राइस जो होता है टिकट का लोकल पीपल्स के लिए तो होता है 50 to 60 रुपीज़, और जो टूरिस्ट होते हैं जैसे कि हम बाहर से आए हैं घूमने के लिए तो हमारे लिए इसका टिकट है 500 to 600 रुपीज़। और ये देखिए कितना ही प्यारा व्यू है, जिसमें आप ऊपर भी जा सकते हैं। पहले बोलते थे कि इसमें ऊपर भी और ऊपर जाने देते थे और गिटार वगैरह बजता था, म्यूजिक रहता था तो डांस कर सकते थे, बट अभी वेदर की वजह से इन्होंने ऊपर का बंद किया हुआ है, बट यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही थी कि बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए आपको कुछ अंदर से इस तरह की मिलेगी गवर्नमेंट क्रूज़, ये बिल्कुल बस की तरह बनाई हुई है बिकॉज़ ये लोकल्स के लिए चलती है, तो आपको इस तरीके की सिटिंग मिल जाएगी। पहुंच गए हैं हम पोर्ट ब्लेयर, ये हमारा शिप जिसमें हम आए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर की जेटी होती है सबसे मेन, तो यहाँ पर काफ़ी जगह जाने वाले क्रूज रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ अंडमान के क्रूज़ नहीं होते कि अंडमान में आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर तो जाते ही हैं, बट पोर्ट ब्लेयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ से क्रूज़ और भी जगह के लिए जाते हैं, तो हमने जेटी पर काफ़ी क्रूज़ देखे। आज है हमारा डे 5 और हम पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर जेटी पर, और हम दोनों आने ली थी यहाँ आने के लिए अपना गवर्नमेंट क्रूज़, तो हमारा एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, बट हाँ हमें ओपन व्यू देखने के लिए मिला कि कैसा लगता है ऊपर खड़े होकर। आपको एक क्लिप ऐड करके दिखाएंगे कि ओपन व्यू कैसा है, बट इसमें भी अपर सेटिंग क्लोज थी वेदर की वजह से। अब हम जा रहे हैं जेटी से बाहर, एग्ज़िट ले रहे हैं, एग्ज़िट इधर की तरफ से है, और यहाँ पर बहुत सारे क्रूज खड़े रहते हैं क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में सबसे बड़ा जेटी है, यहाँ से बहुत दूर दूर के क्रूज जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लेंगे ऑटो। अब हम ले रहे हैं यहाँ से जेटी से एग्ज़िट, और एग्ज़िट लेने के बाद हम ढूंढेंगे कोई होटल रुकने के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या एनवायरनमेंट रहता है। अगर बारिश होती है तो हम नहीं जाएंगे आज बाहर, और बारिश नहीं रहेगी तो जाते हैं आज किसी सनसेट पॉइंट पर या फिर और किसी जगह पर। अभी पहले हम सर्च कर रहे हैं कोई ऑटो होटल तक ले जाने के लिए। और यहाँ पर नहीं होती हैं बड़ी बड़ी कोई शॉप्स, यहाँ पे होती हैं इस तरीके की छोटी सी शॉप्स। और हम यहाँ पे आ गए हैं सेलुलर जेल के बाहर, जहाँ पे हमने जाकर खाया था भुट्टा और पी थी चाय बिकॉज बारिश नहीं हो रही थी। और सेलुलर जेल के बाहर आपको पार्क मिल जाएगा बैठने के लिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्क बनाया हुआ है,
जिसको बोलते हैं वीर सावरकर पार्क, और यहाँ पर होता है सेलुलर जेल में इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो। तो हमने आपको अपने सबसे फर्स्ट व्लॉग में दिखाई थी सेलुलर जेल, और उसमें बोला था हम जाने वाले हैं लाइट एंड साउंड शो में सबसे लास्ट स्टेप पर। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं लाइट एंड साउंड शो कैसा लगता है, और इवनिंग में आपको दिखाने वाले हैं कि बाहर का व्यू कैसा लगता है। और इन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिटिंग भी बनाई हुई है, और जैसे कि आपको पता है कि लाइट एंड साउंड शो की टिकट करनी पड़ती है ऑनलाइन बुक, तो हमने की थी ऑनलाइन बुक। और ऑनलाइन पासेस दिखाने के बाद हम आ गए हैं अपनी सिटिंग पर, और यहाँ पर स्टार्ट होने ही जा रहा है हमारा लाइट एंड साउंड शो। तो अब आपको देखने को मिलेगा शो देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में, और हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। और हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया है बिल्कुल सिंपल, बिकॉज दोनों की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो ये है हमारा लास्ट डे पोर्ट ब्लेयर में, और अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने के बाद एयरपोर्ट की तरफ, और अब आपको दिखाते हैं पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट कैसा है। और हम जा रहे हैं अब दिल्ली, तो आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर ऑटोज़ अलाउड नहीं हैं, लोकल ऑटोज़ जो यहाँ पर चलते हैं वो अंदर अलाउड नहीं है। तो हमने ली है यहाँ से ट्रॉली, और अब हम जा रहे हैं इस पे बैगेज रखकर अंदर एयरपोर्ट की तरफ, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट है। तो हम आपको दिखाते हैं, वैसे हमारे पास कुछ टाइम है तो हम एयरपोर्ट पर वेट करने वाले हैं। और और यहाँ पर हमें हो रही थी थोड़ी सी जल्दी अंदर जाने की, और यहाँ पर थी स्लाइडिंग थोड़ी सी, तो इसलिए हम फास्ट फास्ट जा रहे थे।
पोर्ट ब्लेयर में डिपार्चर एंड अराइवल एग्जिट गेट सेम ही है। डिपार्चर एंड अराइवल का गेट तो अलग है बट एग्जिट सेम बनाया हुआ है। तो हमने अपनी फ़्लाइट टाइमिंग्स चेक की है, उसके बाद हम पहुंच गए हैं डिपार्चर गेट पर। ये हमारा एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है और अब हम यहाँ से लेंगे अपनी फ़्लाइट। अब जाते हैं अपना बैगेज रखवाएंगे। अब हम जा रहे हैं बैगेज स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ पर बैगेज स्क्रीनिंग होती है सेफ्टी के पर्पस से। उसके बाद हम जाएंगे अपने बैगेज का चेक इन कराने के लिए। यहाँ पर हमने करा ली है बैगेज स्क्रीनिंग। उसके बाद हमें मिल गए हैं अपने पासेस। पासेस लेकर हम जा रहे हैं अब यहाँ पर बैगेज चेक इन कराने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी चेक पर अलाउड नहीं होता है रिकॉर्डिंग, तो हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद हम आ गए हैं अपने गेट नंबर 3 पर, जहाँ से हमारी जाने वाली है पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली की फ़्लाइट। और ये हम आ गए हैं एयर इंडिया के वापस गेट पर और हमने एंट्री कर ली है अपने एयर इंडिया के प्लेन में। एंड हमने यहाँ पे ऑर्डर की है अगेन वेज एंड नॉन वेज मील। वेज मील में थे दाल चावल एंड आलू गोभी और नॉन वेज मील में था थोड़ा सा चेंज। और साथ में इसमें हमें मिला था एक डेजर्ट और कर्ड साथ में। और मैं आपको दिखाती हूँ नॉन वेज मील, इसमें सारी चीज़ें सेम थी, बस इसमें राजमा एंड थोड़ा सा चिकन और ऐड था, बाकी सब कुछ हमारा था सिमिलर। कुछ ऐसा चेंजेस नहीं थे वेज एंड नॉन वेज मील में, बस चिकन ऐड हो गया था एंड मेरे में थी आलू गोभी और इनके में था राजमा, जो कि ये मुझे चिड़ा चिड़ा कर खा रहे थे। उसके बाद मैंने पी थी चाय और ये था हमारा कुछ एरोप्लेन का ऐसा लुक, क्लाउड जितने प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हमारे एरोप्लेन ने कर लिया था दिल्ली में लैंड और दिल्ली का एयरपोर्ट तो लगता ही है कमाल। उसके बाद हमने पिक किया अपना लगेज। लगेज पिक करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर, हमने वहाँ से की कैब बुक और कैब बुक करके हम लोग जाएंगे घर। बेल्ट पर मिलेगा, ऐसे हमारे प्लेन में अनाउंसमेंट हो गई थी कि हमारा फर्स्ट बेल्ट पर मिलेगा। तो हम आ गए हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए और जब तक आपको लगेज नहीं मिलेगा तब तक बेल्ट रोटेट होती रहेगी। और यहाँ पर कर लिया हमने अपनी कैब बुक और कैब बुक करके हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। और आपको हमारी जर्नी कैसी लगी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और हैवलॉक से नील आइलैंड, नील आइलैंड से फिर उसके बाद अब वापस का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारे सारे व्लॉग्स कैसे लगे हैं। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।